तुम ना पिटने वाले काम कर रहे हो। मेरे मियाँ जो हैं वो मेरी नानी के हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं, नानू दे रहे हैं सबको ईदी। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज है ईद का दूसरा दिन और मैं रेडी हो गई हूँ, नानी के जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे दावत है। और आप लोग बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मैंने जो है वो बाल बांध लूँगी और रास्ते में जो है वो अम्मी को पिक करना है, अम्मी की कॉल आ गई है। और मैंने जो है ये बालियाँ पहनी है, इसका मैंने व्लॉग बनाया था, आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। गाइस मैंने जो है मान के कपड़े निकाल लिए हैं और सबसे पहले मैंने इसके लिए निकाले ये पिंक वाला पर्स और इसके साथ निकाले पिंक वाले जूते। और ये है मान का ईद का ड्रेस और ये जो है थोड़ी सी जो है फ्रॉक टाइप है और बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी बेटी की ये। और ये देखें, ये इसकी कुछ ज्वेलरी वगैरह निकाली है मैंने और ये इसका कैप निकाला है मैंने। हम लोग हैं बड़ी मी के आ चुके हैं। तो ये है मेरी प्यारी प्यारी सी नानी और हम लोग नानी के घर में आए हैं और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमारी नानी जो है वो हमारा बहुत ख्याल करती है और इन्होंने जो है वो मुझे पाला है। ये मेरी माँ भी हैं और मेरी नानी भी हैं और माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी सी है मेरी नानी और थोड़ा शुरुआती है ये, लेकिन माशाल्लाह बहुत ख्याल करती है हमारा। और हम जब आते हैं तो इतना खुश होती है, सबसे ज़्यादा मुझसे खुश होती है ना बड़ी मम्मी, तो सबसे ज़्यादा बड़ी भी मेरे से खुश होती है। थैंक यू नानी। औलाद की औलाद है ना। हम लोग जो है वो नफा है। यहाँ पे सब लोग जो है वो शीर कोरमा खा रहे हैं और ये नानी ने बनाया है हमारी। और ये देखें सब लोग माशाल्लाह ईद पे जो है वो मिलके बैठे हुए। अम्मी नहीं आ रही है अल्लाह का शुक्र, अभी हमने फ़ोन करा है। अम्मी की तबीयत अब बहुत बेहतर है और मेरी अम्मी से भी बात हुई है तो अम्मी ने यही बोला है कि बेटा आप लोग इंजॉय करो। मज़ा तो नहीं आ रहा अम्मी के बगैर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और बस मैं अभी जाऊंगी अम्मी से मिलने के लिए, अभी मेरी बहन भी आ रही है, पापा भी आ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग रुक गए क्योंकि आप कोई घर में आ रहा होता है तो उसका हम इस्तकबाल करेंगे। और बस ये कि ईद है, अल्लाह की तरफ से है, खुशियां मना रहे हैं और लेकिन दुख भी हो रहा है, मेरी माँ नहीं है यहाँ पे, माँ के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता कहीं पे भी। और बस आजो नहीं नहीं रखो। तो गाइस हमारे घर में दुल्हन आई हुई है और ये हमारी नाना की दुल्हन है, तो वो क्या है ना, नाना ने कर ली शादी, दो नखरों वाली एक नखरा टूट गया तो ये हमारी दुल्हन आई हुई है और ये रही हमारी दुल्हन जो अपना मुँह इतनी शर्म, चलो भाई चलो मुँह दिखाई दो, मैं मुँह दिखाई दो, मुँह दिखाई दे रहे मैग लगाया है चश्मा और आप बिलाल के लगाओ, नहीं बार बिलाल के लगाओ, लगाओ लगाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तू लगाओ फिर लगाओ। अच्छा अपनी बहन का मजाक उड़ा रहे हो हैं, ये वाला है, शान वाला लगा लो, शान वाला लगा लो, ये शान वाले, हाँ ये अच्छा लग रहा है, आओ वहाँ पे आओ। ओए होए हीरो, अपने बेटे को हर माँ हीरो ही कहती है, बिलाल में इतना खुश नहीं हो। और ये हम लोग जो है पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं और ये मेरे मामू की टशन और ये ना ये ईदी ईदी ये ₹10 मेरे घर से नहीं, रोटी छोड़ो, इन्होंने लिफाफे बनाए अभी ईदी के, इस वजह से कंगले हो गए, ₹10 बचे खुद के पास, ये देखो ओके ₹10 भी नहीं है। चलो भाई ईदी दो, हाँ फिर मांगेंगे ईदी आपसे। अभी करनी है ईदी की वसूली और अब ये पीछे ये रहे मेरे मामू, इनसे हम ईदी की वसूली करेंगे और एक और मामू ये लेटे हुए और इनसे ईदी की वसूली करनी है। कभी से वो भी जो पीछे तो छुपाया होता ना लोग, सुन लो मेरी बात, सुन लो, ईदी मिलनी चाहिए और ईदी ज़्यादा मिलनी चाहिए और
ईदी दो और मेरी बहन भी आ रही है तो उसके साथ तो बहुत ही मजा आने वाला है। और माशाल्लाह बड़ी मम्मी जो है वो दिल्ली वाली है तो दिल्ली स्टाइल से बड़ी मम्मी ने कोरमा बनाया है और माशाल्लाह माशाल्लाह इनके हाथ का कोरमा बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है देख का कोरमा। और ये जो है चावल उबल रहे हैं और यहाँ पे जो है बिरयानी का सालन बनाया बड़ी मम्मी ने, ये देखें। और माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ी मम्मी जो है घर में बनाती है, घर में कुकिंग करती हैं। मैं बना रही हूँ अभी ईदी के लिफाफे ये होता है दामाद घर का, जो घर के काम भी करता है उनके, ये नहीं कि सेठ बन के बैठ जाए। और ये देखें माशाल्लाह से मुझे अपने मियाँ पे ना प्राउड है, प्राउड, जो अपनी नानी सास मतलब नानी सास को अपनी नानी ही समझते हैं कि नहीं नहीं क्यों क्यों हर को नहीं तो धनिया काट दे, चलो धनिया काट दो। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है बात शान की कि दामादों की तरह ना, ये नहीं कि दामादों की तरह मेहमान बन के आके बैठ जाएं। और यहाँ पे जो है सब वो लोग मिलके काम कर रहे हैं और ये देखें मेरी बेटी भी काम कर रही है, मेरी गुड़िया भी काम कर रही है। तो ये शेफ जुनैद आ चुके हैं, ये देखें धनिया काट रहे हैं, 500 वाले लोड लेके बैठे हुए हैं। बड़ों को 500 मेरे ख्याल से देंगे, है ना आयशा, मुझे तो 500 मिलेंगे, 500 मिलेंगे। हमारे नानू जो हैं वो लिफाफे बना रहे हैं अभी और दामादों को और उनके दामादों को भी नानू ईदी देते हैं, मतलब मेरे मियाँ को भी ईदी मिलेगी, मेरी बेटी को भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी और पप्पा को भी मिलेगी, उनके दामाद को भी मिलेगी, मतलब दामाद के दामाद को भी ईदी मिलेगी। याद कर रहे हैं मेरे घर में और कौन कौन है, बड़े अबू अपनी बेगम का नाम लिखो ना, शाहाना बेगम शाह, ओहो लिख दिया वही लिख दिया। बड़े अबू तुम्हें याद है अपनी बेगम का नाम, याद है अपनी बेगम का नाम। बड़े अबू यार शहाना क्या होता है, बेगम लिखो या फिर जानू लिख दो, जानू लिख दो, हमें और क्या लिख, और क्या बोलते है? और क्या बोलते, कट्टो लिख दो, जबी की अम्मा लिख दो, खाली ये खाएगी आयशा, ये सही है आयशा तुम्हारे लिए, ये सही है वो सबको भगा रहे बड़े अब्बू, 200 रुपए तो नवासी हूँ, कितने रखे रखे ही नहीं। बड़े अब्बू उसका बना रही नहीं, बड़े अब्बू उसका बना रही नहीं, बनाएंगे बनाएंगे आयशा के 100 रुपए, आयशा के 100 रुपए। यहाँ बन चुके हैं बहुत सारे लिफाफे, ये देखें अब बड़ी मम्मी जो है वो शान को अपनी रेसिपी आन के बता रही थी, चावल की तरकीब बता रही हूं कि चाय का, शान को क्यों बता रही हो, शान के खाने पकाते भग गई। शान के खाली मसाले मशहूर है, उनको चावलों का नहीं पता। ये मेरी है भाई, मेरी है, मेरी है, मेरी है भाई, दे दो दे दो भाई, दे दो यार दे दो। जैन चज्जू देखें, हम सब लोग जो है दस्तखान बिछा रहे हैं और ये हमारी सुगड़ बिछिया बहुत काम कर रही है और मामू जो है वो रोटी लेके आ गए हैं। पानी की बोतल भी, कोई बात नहीं सब चलता है, बच्चों वाला घर है यार, महक बच्चों वाला घर है यार, बच्चे तोड़ देते हैं फिर। गाइस खाना वाना खा लिया हम लोगों ने और अभी जो है वो ईदी बटने का टाइम होने वाला है और इस टाइम का इंतज़ार हम पूरा साल करते हैं। खाला हमें ईदी दे रही हैं और इस टाइम ये बहुत प्यारी लग रही है आयशा, इस टाइम बहुत प्यारी लग रही है ना, और जजाक अल्लाह, ईद मुबारक, खैर मुबारक, दिखाओ 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 दिखाओ, ईदी मिल गई मेरी बेटी को, ईदी मिल गई है, ईदी मिल गई है, वाह भाई वाह, मेरे ख्याल से सबसे अच्छे लिफाफे तो पहले घर में पहुंच गए, है ना, तो पहले ही पहुंच गए घर में सबसे अच्छे लिफाफे। चलो कोई बात नहीं, वो हमारे पास ही आ रहे थे, वो ईदी दो, चलो वो दे देगी, मामू ईदी दो, जजाक अल्लाह।
हाँ अलग अलग है। आयशा भी कम है, आयशा भी कम है, आयशा भी कम है, आयशा भी कम है। मामा 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 कौन सी दे रही ना वो ईदी दो ईदी दो ईदी दो बड़ा जजाक अल्लाह मना मामू जजाक अल्लाह इधर आ जाओ ना यार ईदी दो ईदी दो ईदी दो ईदी दो नानू दे रहे हैं सबको ईदी। मान ले लो बड़ी मेरे 500 रुपए निकाल लिए मेरी बार बोली पापा दे रही है। हाँ बोली बोली पापा ने मेरे वो 500 रुपए ले गई वो 500 रुपए ले गई। अम्मी अम्मी बेटी किसकी है बेटी ये ले रही है ले पापा ने ले रही रो रही है आए, 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 शिकायत हो रही है शिकायत कर रही है। मान वो दे लो ईदी लो ईदी लो ईदी लो ईदी लो ईमान ईदी लो ईदी लो ईदी लो इन बच्चों की तो ईद होती है। तो गाइस मैं देने जा रही हूँ ईदी और अब मेरा टर्न है तो बड़े अम्मी ईद अकेले तो लग जाओ तो मैंने सबसे पहले अपनी नानी को ईद दी है। तुम ना पिटने वाले काम कर रहे हो अब करो 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 तो मैं ये तो मेरा नहीं है ये आपका है। आप बागा की तरह सोते हो तुम्हें घर नहीं जाना लग रहा है, है? तुम्हें तीसरा दिन घर में नहीं गुजारना। रिजवान भाई आप इनको लेके जाए मैं घर लेके नहीं जा रही इनको। आ गई आ गई ए पापा कर लो ए चुचू पापा कर लो मेहंदी वाली आ गई काशी स्पॉलर से मेहंदी वाली आ गई वो भी तो आदमी है ना मेकअप करता है। इसमें लिख देना इकबाल जानू। मेरे मियाँ जो हैं वो मेरी नानी के हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये देखें। और बड़ी अम्मी अंकल का हाथ कब कपा बड़ी अम्मी बड़ी अम्मी शान ने पहले भी लगाई हुई ना आपके हाथ में मेहंदी। हाँ तो शान ने पहले भी लगाई हुई है और ईमान जो है वो रो रही है कि मेरे लगाओ मेहंदी। ईमान रो रही है लगाइए ये छुटा देती है। और अमशान ने जो है वो अम्मी की भी हाथ में लगाई हुई है और नानी के हाथ में भी लगाई हुई है। हाँ ना जबी के हाथ में भी लगाई हुई है अब पिछले साल लगवाई थी और ये फिर आ गई फिर आ गई ये अपना हाथ लेके आ रही है मेरे लगाओ ये इधर से घूम के आएगी ये भी इधर से घूम के आएगी तो अच्छी प्यारी ये देखे। शान जो है वो मेहंदी लगा रहे हैं। मेरी माँ ने ना मुझे सब कुछ सिखाया हुआ। क्या सिखाया हुआ? माँ ने ही तो नहीं सिखाया कि घर के काम करो। भाई मेरी माँ कराती थी काम। कराती थी काम? झाड़ू दिलवाती थी? अच्छा अच्छी बात है ना अब माँ का सिखाया हुआ हमारे काम आ रहा है। चलो माँ ने ना हमारे को ना भाई सुगड़ बच्ची दी है बड़ी भी सर पकड़ के बैठ गई ये मेरे हाथ का क्या हो किया शान ये क्या किया शान। तो ये लगाई है शान ने मेहंदी। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर और हम लोग आज बहुत थक गए बहुत मजा आया और सब लोग आप देख सकते हैं पीछे हंस रहे हैं और
सबसे ज्यादा ये आदमी हंस रहा है और मैं इसको गला दबाने वाली हूँ। तो गाइस मैं जा रही, मतलब हम क्या बोलूँ मैं, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इस आदमी का गला भी दबाना है अभी।